नमस्कार, मैं हूं अनु मलिक। सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं टू द इंडो यूरोपियन कॉन्क्लेव जो इस वक्त दिल्ली में हो रहा है। मैं कुछ कहने से पहले कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूं हमारे दोस्त, हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर विवेक गुप्ता साहब, जिन्होंने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, मेरा दिल कहता है कि आपका शो सुपर ड्यूपर हिट हो चुका है और सामने जो नज़र आ रहे हैं मेरे फेवरेट, जिनको मैं नमन करना चाहता हूं, ऑनरेबल श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, दिल से नमन सर आपको। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, ये तो आप जानते ही हैं, और बड़ी इज्जत करता हूं आपकी। साथ साथ जितने भी वहां डॉक्टर्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये जो न्योता आपने मुझे एक्सटेंड किया आने के लिए, मैं आ नहीं सका बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मैं कुछ प्रायर कमिटमेंट्स में बहुत बिजी हूँ। मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है, मराठी फिल्म है वो आसूड, दिस इज़ बेस्ड ऑन द फार्मर सुसाइड, और ये पहली बार मैंने एक मराठी फिल्म में कंपोज किए गाने। सारे गाने मैंने कंपोज किए हैं। आसूड अभी रिलीज़ हो रही है, उसकी प्रमोशन चल रहे हैं, एंड इट्स द फर्स्ट टाइम अनु मलिक इज़ कंपोज फॉर अ मराठी फिल्म, और ये फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है। और मैं मराठी कल्चर का बड़ा दीवाना हूँ, तो मैंने चाहा कि बस ऐसा एक ऑफ़र आए जिसमें मैं काम करूँ, और ये मुझे ऑफ़र मिला, और ये आप ज़रूर देखिए आसूर। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे डॉक्टर दोस्त जितने भी वहाँ लोग हैं, मैं मानता हूँ कि मैंने और आपने, हमने भगवान को देखा तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैंने भगवान को महसूस किया है वो आप सब डॉक्टर्स में मैंने महसूस किया है। जो आपकी जान बचाता है वो भगवान ही होता है। मैं हर डॉक्टर को दिल से नमन करना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं मैंने क्या क्या काम किया है ज़िंदगी में। बॉर्डर में मेरा म्यूज़िक संदेश से आते हैं, गाने आज भी चलते हैं सब। बॉर्डर हो, रेफ्यूजी हो, पंछी नदिया पवन के झोंके जिसमें मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, या फिर एलओसी कारगिल हो, उमराव जान हो, अभी हाल ही में मैंने म्यूज़िक दिया फिल्म सुई धागा, विच इज़ द पेट यू नो प्रोजेक्ट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया वाली बात थी, वही है सुई धागा में, एक मेड इन इंडिया वाला पूरा माहौल था उसमें, एंड मेरा गाना उसमें बहुत चला, तेरा चाव लागा जैसे कोई घाव लागा। उससे पहले मेरा गाना बहुत चला था ये मोमो के धागे। और मैं ये भी जानता हूँ आप लोग मेरी स्पीच सुन रहे हैं, बोल रहे हैं अनु मलिक जी आप सिर्फ बोलते जा रहे हैं, आप हमें कुछ सुनाएंगे नहीं। ये लगता है मुझे विवेक गुप्ता जी वहाँ बुला रहे थे कि अनु मलिक वहाँ आते और गाना सुनाते। अब क्योंकि मेरी कमिटमेंट है तो मैं आ नहीं पाया, लेकिन गाना ज़रूर सुनाऊँगा। तो सबसे पहले सुनाऊँगा मोमो के धागे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये मेरा क्लासिकल अंग है, और मेरा मस्ती वाला अंग वो तो सुनाना पड़ेगा। अरे ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, अरे दरवाजा बंद है, तो आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, अब तो आजा। जरूर मुझसे ये एक किस्म की मुझे तकलीफ हो रही कि मैं आपके पास वहां नहीं हूं, लेकिन जब आप अगली बार मुझे बुलाएंगे, अप्रैल में शायद कॉन्क्लेव होने वाला है, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वहां आऊं, आपसे मिलूं, रूबरू बैठूं आपके साथ, और आपको सबको नमन करूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ वेरी वेरी ग्रेट इवनिंग। थैंक यू, नमस्कार।